हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं, लगभग 6 बजने वाले हैं अभी। तो अभी टाइम है चाय का और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था चाय पीने का, तो अभी चाय बनाते हैं। वैसे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था पहले सुबह, तो उसमें मैंने इंट्रो वगैरह नहीं दिया था, तो थोड़ा देख लेना आप वो। तो अभी चाय बनाते हैं और पीते हैं, घर पे कोई नहीं है, घर वाले बाहर हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे, तो बनाते हैं चाय यार पहले। सो लेट्स गो। तो गाइज़ एक और बात बतानी थी यार, कुछ टाइम से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और नेट इशू था यार मेरे मोबाइल को, पता नहीं क्या हो गया था। तो आज ठीक हो गया है, तो एक दो व्लॉग मैंने अपलोड कर दिए हैं जो पहले के थे, तो अब कंटिन्यूसली व्लॉग डालता रहूँगा मैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज चाय बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए था एक फ्राई पैन, और फ्राई पैन को रख दिया मैंने चूल्हे पे और गैस को पीछे से ऑन कर लिया और लाइटर उठा के इस चूल्हे को मैंने जला दिया, जल जा, और ये जल गया और पैन गर्म हो जाएगा यार। पानी डालते हैं जल्दी से, और ये डाला मैंने एक गिलास पानी, लगभग 4 कप चाय बनानी है मेरे को, तो एक गिलास पानी लगभग 3 कप का पानी है ये, और लगभग 5 कप चाय बन ही जाएगी। ये पत्ती पत्ती डाल देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही जल्दी शायद से मुझे लग रहा है, कोई नहीं। चीनी उठाते हैं यहाँ से और इस चीनी को खोलते हैं ढक्कन। क्या बात है, मस्त चीनी है निकल। तो ये चीनी 3 3 हो गए, 6 6 चम्मच चीनी डाल दी। अब लाएंगे फ्रिज के अंदर से दूध का पैकेट। ओ भाई, दूध का पैकेट आ चुका है। तो इस दूध के पैकेट को काट दिया हमने चाकू के साथ और जाएगा ये दूध सारा का सारा चाय में। लगभग 2 कप दूध है ये और 3 कप पानी। देखते हैं कैसी बनेगी चाय। अब सारा निकाल देंगे, निचोड़ के पूरा का पूरा, एक भी बूंद ज़ाया नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो गाइस इस चाय को थोड़ा सा हम करेंगे वेट, थोड़े सी ये उबलने लगेगी तो उसके बाद थोड़ा सा इसको और उबालेंगे ताकि अच्छे से इसमें कलर। अरे ये क्या गिर गया साइड में, अरे भाई गैस की हालत ख़राब है। थोड़ा सा इसके ऊपर आटा वगैरह गिरा हुआ है, सुबह जो फुलके बने हुए थे। तो इस चाय को अच्छे से मैं गड़काऊंगा और इसको पूरी की पूरी एक कलर में लाऊंगा अच्छे से बिल्कुल। तो अभी गाइस आ गया ऊपर। ओ भाई, ओए जल्दी उठा जल्दी उठा, ये चले जाएगी चाय, गिर जाएगी चाय, गिर जाएगी, क्या कर रहा है। आए शाबाश, ओए 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 भाई क्या कर रहा है। आराम से आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से। तो गाइस ये चाय अच्छे से उबल गई और देखिए क्या मस्त कलर आ गया इस पर। तो गैस को साफ कर लेता हूँ यार, ये गैस काफ़ी गंदी हो रही है यहाँ से, चाय की भी थोड़ी थोड़ी इस पर वो बूंदे चली गई, तो क्या ही करें। तो कोई नहीं, अब ये चाय लगभग तैयार। तो गाइस चाय को मस्त कलर आ गया यार, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो बस अब गिलास लाने की देरी है और इसको टेस्ट करके बताएंगे यार कैसी है। थोड़ी सी गंद है साइड पे और थोड़ी सी चाय गिरी हुई है, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और चाय तैयार हो चुकी है, अब मैं इस गैस को बंद कर दूंगा। सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं और पीछे से भी गैस मैंने बंद कर दिया है, और इस गिलास में डालते हैं यार ये चाय, देखते हैं क्या मज़ा आएगा इसको पीने का। तो थोड़ी सी ले लेता हूँ मैं, तो इसको ढक्कन दे देंगे, ये उल्टा लगा दिया मैंने, तो कोई नहीं। तो देखते हैं इस चाय को टेस्ट करके और कैसी बनी है ये, पीते हैं यार। सर्दियाँ अगर होती तो काफ़ी ज़्यादा चाय पीते हैं हम, तो इसका टेस्ट काफ़ी मस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसे चाय बनाई है, मज़े लेकर अभी बनाई है, पीते हैं। सबसे पहले नहीं बनती है ऐसी चाय,
तो ये मैं क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी फटाफट पी ली मैंने ये चाय। और तो फाइनली गाइस चाय हो चुकी है कंप्लीट और काफ़ी मज़ा आ गया यार। ये वाली चाय में मैंने इलायची वगैरह कुछ नहीं डाली थी, सिंपल चाय पत्ती और बाकी सारी चीज़ें, तो काफ़ी मज़ा आया पीने में। तो देखते हैं अभी ब्लॉग को कब बढ़ाएंगे आगे, तो थोड़ा सा काम है वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे फिर से इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने के लिए। तो गाइज अभी लगभग शाम के 10 बज रहे हैं और अभी मैं ब्लॉग एंड करने आ गया हूँ। ये छोटा सा टी ब्लॉग था जो मैंने आपको दिखाया। खाना वगैरह खा लिया है, घर वाले आ गए घर में और अब मैं अपने रूम में आ गया। थोड़ी लाइट डिम लग रही होगी क्योंकि वो वाला जो अब क्या ही कहूँ, वो वाला जो बल्ब है वो मैंने बंद रखा है क्योंकि उसकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है आंखों में, तो थोड़ी जलन होती है उस वजह से। पकड़ा कुत्ते को किसी ने। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं बैंड और छोटा सा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है ये। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार और वीडियो को भी लाइक कर देना। अभी मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, तो मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।